सैनिकों द्वारा 1984 के सिख दंगों को 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी इंसाफ ना मिल पाने के कारण पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। पंजाब के जलंधर शहर में इस पंजाब बंद की कॉल को भारी समर्थन मिल रहा है। जलंधर के बाजार जो अमूमन सुबह 9 बजे खुल जाते थे और लोगों की चहलकदमी भी यहां पर शुरू हो जाती थी, लेकिन बंद की कॉल के चलते 10 बजे तक बंद रहे। बाजारों के अतिरिक्त शहर के सभी निजी शिक्षण संस्थान पूर्णतः और अन्य सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। पंजाब में अपना कॉस्मेटिक का व्यवसाय चलाने वाले गौरव ने बताया कि सिख जत्थेबंदियों द्वारा बंद के बारे में बता उन्हें दुकानें बंद करने रखने की अपील की गई थी, इसलिए उन्होंने दुकानें बंद रखने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि पंजाब बंद के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सिख जत्थेबंदियों ने 100 के करीब दो पहिया वाहनों पर पूरे शहर में घूम लोगों को पंजाब बंद के बारे में बताते हुए व्यवसाय बंद रखने की अपील की थी। सिख जत्थेबंदियों 1984 के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रही है और इस अपील को शहर वासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पंजाब बंद है उन्दे विच जलंधर शहर दे विच परवाह हंगारा मिलिया है। भावें सरकार वालों पुलिस दियां बहुत रोकां सी, थां थां ते नाके ला के मुंडियां नूं रोकण दी कोशिश कीती गई, पर इस दे बावजूद भी सिख संगतां दे विच भारी उत्साह कारण जलंधर सेंट्रल सारा पूर्ण रूप नाल बंद रखा गया है।